आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। स्वर्गीय त्रिलोक चंद कोचर जी की स्मृति में वैन गंगा मजदूर यूनियन ने किया वृक्षारोपण। यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बीसेन, समाज सेवी जितेंद्र त्रिलोक चंद कोचर, यूनियन संगठन प्रभारी आशीष शुक्ला रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्ती एवं बालाघाट जिले के महान समाज सेवी स्वर्गीय त्रिलोक चंद कोचर की स्मृति में 6 जुलाई को बालाघाट जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश वैन गंगा मजदूर यूनियन ने पदाधिकारियों और मजदूर साथियों द्वारा वृक्षारोपण कर श्रद्धांजलि दी गई। यहां स्थानीय जय हिंद टॉकीज मैदान में स्थित मजदूर चौक के समीप यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बीसेन ने बताया कि स्वर्गीय त्रिलोक चंद कोचर जी सदैव मजदूर साथियों के हितार्थ तत्पर रहते थे। सभी मजदूर साथियों ने एक राय होकर यह निश्चय किया कि सम्मानीय स्वर्गीय कोचर की स्मृति में वृक्षारोपण किया जाए एवं वृक्ष की देखरेख यूनियन द्वारा की जाएगी। इस कार्य के द्वारा ही सम्माननीय स्वर्गीय कोचर को श्रद्धांजलि दी जाए, इस सोच के साथ कि जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा सम्माननीय स्वर्गीय कोचर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर यूनियन आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय कोचर साहब एक महान हस्ती थे और उनकी स्मृतियां हृदय पटल पर अमर है। विशाल बीसेन ने इस अवसर पर उपस्थित समाज सेवी जितेंद्र कोचर का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वर्गीय त्रिलोकचंद कोचर के सुपुत्र समाज सेवी जितेंद्र कोचर, वैन गंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बीसेन, यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी आशीष शुक्ला, प्रदेश सचिव प्रहलाद ठाकुर, जिला अध्यक्ष सत्यम वाघे, नगर अध्यक्ष राजेश सेलोकर, यूनियन सदस्य दीपेंद्र खेरवार, मनीष कनौजिया, बब्बू अमीन खान, गणेश सहारे, नारायण पांचे, संतोष पांचे, वसीम खान, शिवकुमार उइके, राजू रजुनकर, बबलू कावरे, आशीष यादव, बबलू नागेश्वर, धनेंद्र सहारे, अनिल राउत और अन्य मजदूर उपस्थित रहे। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। आज हमारे सभी मजदूर साथियों द्वारा स्थानीय जैन टाकिंग ग्राउंड में वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण का आशय यह है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के समाज से भी कहते कहना चाहिए कि हमारे बालाघाट जिले की बहुत बड़ी हस्ती रहे स्वर्गीय त्रिलोकचंद जी कोचर हमारे बीच में नहीं है और उन्होंने हमारे मजदूर यूनियन के मजदूर साथियों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारे सहयोग हमें प्रदान किए अपने जीवित रहते हुए। कई मेडिकल कैंप जो है हमने उनके भरोसे ही जो है मजदूरों के हित में ऑर्गेनाइज करवा पाए थे। कहीं ना कहीं आज हम उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। हमारे मजदूर साथियों ने आत्ममंथन करके तय किया कि क्यों ना एक वृक्ष, एक ऐसी चीज़ उनके याद में की जाए जो जीवन पर्यंत याद रहे। तो सभी ने तय किया कि वृक्ष जो है वो रोपा जाए, वृक्षारोपण किया जाए। आज जो ये वृक्षारोपण हुआ है ये वैन गंगा मजदूर यूनियन के साथियों द्वारा स्वर्गीय त्रिलोकचंद जी कोचर की स्मृति किया गया है। और हमारे सभी साथियों ने प्रण लिया है कि इस पेड़ का, जैसे हमारे कोचर जी जब तक रहे तब तक जैसे हमारे मजदूरों का वो ध्यान रखते थे, उसी तरीके से हमारे सभी मजदूर साथी इस वृक्ष का ध्यान रखेंगे। और निश्चित हमें भरोसा है ईश्वर के ऊपर कि जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा वैसे वैसे कोचर जी की स्मृतियाँ हमारे जीवन में बनी रहेंगी और उनके द्वारा जो दिखाए गए रास्ते हैं उस पर हमारा यूनियन आगे चल के काम करता रहेगा। आज जो है इस कार्यक्रम में हमारे साथ यूनियन के सभी पदाधिकारी हैं और विशेषकर हमारे जितेंद्र भैया जो स्वर्गीय कोचर जी के सुपुत्र हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं।